Yes, Mohit sir, firstly, thank you so much for calling me. A beautiful place and congratulations for Chamak. मैं बात करूँ, मैंने देखा पहले, सबसे पहले ट्रेलर की मैं बात करूँ तो मेकर्स हैव मेड सच अ ब्यूटिफुल सिंगर पंजाब, डायरेक्टर भी सिंगर का. सो टेल अस समथिंग, डायरेक्टर का क्या विजन था इस सीरीज को लेके? यार उनका ना सिर्फ एक ही मैसेज था जो वो जिसके लिए उन्होंने सीरीज बनाई और वो ये था कि नो आर्टिस्ट शुड बी किल्ड. राइट. एंड उनका वो एक थॉट था जिसके ऊपर ये उन्होंने पूरी 3 साल मेहनत की, शो लिखा. और जैसा कि आपने कहा यू नो कि म्यूजिकल शो है एंड इट्स वन ऑफ द आई थिंक एक ही पहला कोई म्यूजिकल OTT शो होगा. इससे ज़्यादा इतने ज़्यादा गाने किसी OTT शो में अभी तक नहीं बने होंगे, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन. So yeah, it's a musical show and at the same time it's a revenge saga, revenge drama. And it's a beautifully written show, yaar. Kamal ki kahani hai ek ladke ki, how he comes back from Canada and apne pata lagta hai usko ki his father was killed on stage and how he was killed, who is the killer behind him, who is the culprit. Uski puri journey usko dhoondne ke liye. And us journey ke duran, you know, Pratap Deol se milna, Teeja Sur ka samne aana. तीजा सुर में प्रताप देओल का बेटा गुरु, उसका बड़ा भाई, उसकी बहन, दिस फैमिली वाज अ डिसफंक्शनल फैमिली. एंड या सो इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन शो एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स देयर. बहुत सबने बहुत अच्छा काम किया है, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है. बीट मुकेश छाबड़ा, बीट काला परम, बीट मनोज पावा जी, और एवरी वन हैज डन, सुरेंद्र विक्की जी, अकाशा, एवरीबॉडी हैज डन सच वंडरफुल जॉब. सो यार भाई एक एक्टर ने अच्छा काम किया है, अच्छा लिखावट है और म्यूजिशियंस हैं इतने सारे सिंगर्स हैं, ऑल जॉनर, हर जॉनर के गाने. सो इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स एवरीथिंग यू विल गेट इन अ शो यार. इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट शो. यस. प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्या रिसर्च रहती है आपकी, लाइक इफ यू प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर? बिकॉज आई हैव सीन यू प्लेइंग मिली कुणाल राइट नाउ, व्हाट यू आर प्लेइंग कुल्फी गुमर. You have played so many different character, but ये out of the box character जो आपने play किया है, कुछ अगर बताना चाहोगे, how was your research when you came to know about the character? See, यार, it was very well written and you know पूरा prep रोहित सर ने already कर रखा था when I met him. तो उन्होंने जब सुनाया मुझे तो he was very clear with his thought, you know कि मेरा ये किरदार है. एंड सो मुझे बस आके आया टू जस्ट जो उन्होंने स्केच बनाया था उसमें कलर्स डालने थे अपनी तरफ से, और वही किया यार. तो लिखा बहुत अच्छा हुआ था, सोचा बहुत अच्छा था, और एक मैसेज है बहुत अच्छा. और प्रेपिंग यार, प्रेप तो यार आई थिंक पता नहीं मैं कितनी बार मैं रोहित सर से जाके मिला हूँगा, कितनी मीटिंग्स की होंगी हमने इसके प्रेप के लिए. सुनो तो we did the prep together, then I did a workshop with one of my friend who's also an acting coach, his name is Rachit. तो उसके साथ भी मैंने workshop की थी कुछ तीन चार दिन की. then I did my own prep, जितना time मिला था उसमें जितना prep कर सके वही किया था यार. और लोगों को पसंद आ रहा है, उम्मीद है और भी लोग देखें. रोहित जी की एक खास बात मुझे ऐसी लगती है कि उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में राइट शुरुआत में हिंदी इंडस्ट्री में भी काफी काम किया था. एक उनकी मूवी आई थी सुपरस्टार, कुणाल खेमू के साथ, जो इतनी अच्छी फिल्म थी. मैंने सुना था सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा किरदार है ट्रैफिक सिग्नल के बाद. मुझे ट्रैफिक सिग्नल सबसे अच्छी, कलयुग है ट्रैफिक सिग्नल है, बहुत अच्छी वो मूवी, इतनी अच्छी है. बट इट हैज नॉट वर्क्ड. Then he went to Punjab. He have worked with the Punjabi industry very closely, yeah. And doing a Punjabi and Hindi mixture. Yeah. So direction wise, उनका क्या आपको कैसा लगता था sets पे? क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे पंजाबी टच भी दिया उन्होंने. सिद्धू मूसे वाले का भी जिक्र होता है. मैंने रिव्यूअर से भी सुना था सिद्धू मूसे वाले का भी जिक्र हो रहा था. एंड जिस तरह किलिंग की बात करें तो उनका ऑन द टॉप रहता है, he's the superstar over there. So tell us something about everything. Detailing में यार रोहित सर ऑन द सेट, रोहित सर इज अ कंप्लीट पंजाबी एट हार्ट यार. वो मतलब पंजाब अपने दिल में लेके घूमते हैं वो. उनसे बात करो तो पंजाब ऐसे टपकता है उनके मुंह से, यू नो. और म्यूजिक की बहुत अच्छी सेंस है उनको, कमाल की सेंस है, म्यूजिक सेंस, बीट सेंस. तो
ही वॉज वेरी क्लियर है, और सेट पे यू नो ही समबडी ही इज लाइक अ मिरर ऑन द सेट यार, वो मतलब आप जो प्रेप करके जा रहे हो ना वो आपको एकदम रिफ्लेक्ट करेंगे और डबल रिफ्लेक्ट कर देंगे, जितना उनको चाहिए वो वैसा रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड ही जस्ट स्पीक्स टू यू शॉट से पहले, यू नो आपसे 5-6 सेकंड बात करेंगे, 1 मिनट बात करेंगे मैक्स, एंड ही टेक यू टू दैट जोन, और वो उनकी खासियत है, वो हम सब ने वो नोटिस किया, वो पहले उस जोन में रहते हैं, वो जिस इमोशन में यू नो सपोज गुरु को एक इमोशन में रहना है, मैं प्रेप करके जा रहा हूँ और वो ऑलरेडी उस इमोशन में होते हैं, एंड द मोमेंट आई टॉक टू हिम इट जस्ट यू नो इट हिट्स यू एंड इट जस्ट गेट्स एनहांस्ड, सो एंड ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, ही बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, बहुत रूहानी आदमी है, और मेरी उससे उनसे एक्चुअली इसलिए ज़्यादा बनती भी है कि वो अपना काम का अप्रोच बहुत रूहानी है उनका, तो और बड़ा मज़ा आया सेट पे, यू नो मस्ती भी की हमने, अच्छा काम भी किया, मेहनत भी की, और मैं तो यार मेरा काम ही होता है कि मैं पूरा जोन में रहता हूँ, मेरे से तो होता भी नहीं है कुछ ऑन एंड ऑफ जो लोग कर पाते हैं, मेरा होता है कि मैं जोन में रहूँ, इट हेल्प्स मी, बाकी यार ही इज़ वेल वर्स्ड विद पंजाब, एंड अगर चमक कोई बना सकता था तो सिर्फ रोहित जुगराज ही बना सकते थे। यस एंड यू नो इट्स वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंटरव्यू सम पीपल, लाइक हम क्रिकेट में कहते हैं 3 डायमेंशन, यू आर द परफेक्ट 3 डायमेंशन प्लेयर, लाइक ओटीटी टेलीविजन मूवी, गौरव सर के साथ अभी मूवी भी आने वाली है आपकी, अभिषेक कपूर सर, सॉरी बेग योर पार्डन, तो आप अगर कुछ बताना चाहोगे अबाउट द 3 लेवल, हाउ द वर्क वाइज हाउ डिफरेंट इट इज, is there any similar thing that you have noticed in 3 format? yeah similar to mera process hi rehta hai, chahe wo tv ho ott ho ya film, mera kaam mera process same rehta hai, ha tv aur ott mein aapko bound script mil jati hai, you know to aap prep zyada kar lete ho, time mil jata hai prep karne ka, lekin tv mein bhi apne tareeke hain, main you know I've been working for so long, apne tareeke hote hain to get into the skin of the character, like tv mein I give the first month of the shooting for the prep of the character, फिर उसके बाद टी वी तो यार ऐसा होता है कि अब रोज़ करते करते जस्ट गेट्स इन टू अनकॉन्शियस, और अभी आप किरदार बन ही जाते हो कहीं ना कहीं, या एंड आई थिंक आई लव थ्री ऑल द 3 मीडियम्स, मुझे फिल्में भी करनी है, मुझे OTT भी करना है, और मुझे टी वी भी करना है, ऐसा नहीं है कि मैं टी वी छोड़ना चाहता हूँ यार, What about the reality show? Last year ये आपने खतरों किया। हाँ यार मैंने नच बलिए में थर्ड आए आप। झलक में। झलक में सॉरी। If I see your career graph is very good, like reality show wise also। हाँ but मैं कभी जीता नहीं, finalist थर्ड ही आता रहता हूँ यार मैं। खतरों में भी थर्ड आया। थर्ड। झलक में भी थर्ड। तो I don't know उसके पीछे क्या है। Do you take 3 as your lucky number? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 3 से आगे number 1 पे जाना है। तीन बहुत यार खतरों में भी यार इतनी मेहनत की इतना फिर फाइनल में जाके यू नो आई लॉस्ट, बट आई थिंक जितने भी रियलिटी शोज थे वो मैं कर लिए जो मुझे पसंद थे, अभी तो ऐसा कुछ मुझे और कुछ अच्छा लगता नहीं है, जो मुझे पसंद है मैंने सब कर लिए। यस टॉकिंग अबाउट योर ऑनगोइंग शो, टेल अस समथिंग अबाउट योर रोल कुणाल। बातें यार बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और कुणाल का किरदार कितना मैच करता है मोहित के जो रियल किरदार है उससे? यार कुणाल बहुत अलग है, कुणाल बहुत अलग है मोहित से, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, कुणाल की अपब्रिंगिंग अलग है, हाँ बस एक ये है कि पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता है, और यू नो एंड आई नो सच बॉयज, आई नो सच डैड्स, ऐसे रिलेशनशिप डैड और सन के, आई नो यू नो मैं बहुत बाकी हूँ उस ऐसे किरदारों से, तो कुणाल और मोहित में बहुत डिफरेंस है यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुणाल हैज हिज ओन इशूज, ही हैज लॉट ऑफ इशूज, ही हैज ट्रस्ट इशूज, ही हैज हिज ओन फियर्स जो मेरे नहीं हैं, बट कुणाल के हैं, तो कुणाल इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, रियल अपोजिट टू योर ओन कैरेक्टर। कुणाल इज आई एम नॉट कुणाल। ओके मोहित जी एक आखिरी सवाल, हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट फॉर चमक 2? आई थिंक जल्द से जल्द आ जाएगा यार, हाउ द एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शूटिंग हैज स्टार्टेड और लाइक इट विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। शूट तो यार हो चुका है, चमक 2 शूट हो चुका है। चमक 2 एक्चुअली क्या था कि एक ही सीजन था, इन्होंने अभी भी डिवाइडेड द सीजन इनटू
टू पार्ट्स टू पार्ट्स तो पहला पार्ट अभी रिलीज हुआ है तो रिमेनिंग पार्ट विल गेट रिलीज्ड विद इन आई थिंक वन मंथ ओके एंड आई एम होपिंग कि जल्दी आए यस थैंक यू सो मच मोहित जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक्स लॉट थैंक यू